सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डी एफ ओ इंटरनेट में। देखिए, कैबिनेट ने टैबलेट स्मार्टफोन विवरण के लिए बिड दस्तावेज को मंजूरी दे दिया है। अब और जो एक खबर है कि अब लोक सेवा आयोग से होगी आयुर्वेद व यूनानी की भर्ती। और देखिए, केंद्र की मदद से सचल पशु चिकित्सा इकाई के संचालक को मंजूरी। प्रदेश में युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिहाज से टैबलेट पीसी और स्मार्टफोन वीडर के लिए तैयार बिड दस्तावेज को मंगलवार को कैबिनेट वाई सर्कुलेशन के माध्यम से अनुमोदन दे दिया गया है। अब देखिए, सरकार का आदेश था कि दिसंबर तक स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। और UPSC 22 से 26 नवंबर तक कई सीधी भर्तियों के इंटरव्यू होंगे। और देखिए, BHU के शीर्ष विश्वविद्यालय की सूची में चाहते हैं नवनियुक्त कुलपति। BHU से रिलेटेड है और राजस्व वाला। देखिए, रेलवे का जो है ग्रुप सी के कर्मचारी बनेंगे अधिकारी, भत्तों में होगी कटौती। छठे और सातवें वेतन मान का लाभ पाने वाले कर्मचारियों का रेलवे बोर्ड ने मांगा ब्यौरा। दरोगा भर्ती यानी UPSI से भर्ती जो एक नाम वाले अभ्यर्थी की एक ही दिन होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के 9,500 से अधिक पदों पर के लिए भर्ती परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। इसमें सालवर गैंग की सेंधमारी से निपटने के लिए एक कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि कई बार सालवर गिरोह कोशिश करते रहते हैं कि एक से अधिक स्थान से आवेदन करा दिए जाएं, जिस परीक्षा केंद्र पर सेटिंग हो जाए वहाँ परीक्षा दिलाई जाए। ऐसे में एक ही नाम के अभ्यर्थी की परीक्षा एक ही दिन कराई जाएगी। ये देखिए, नया टेक्निक लगाया गया है। ऐसे 2,408 अभ्यर्थी का अंतिम आवेदन स्वीकार करते हुए बाकी आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। राजस्व लेखपाल के लिए देखिए वैकेंसी आने वाली है। UP 53 का रिजल्ट आउट होने के बाद राजस्व लेखपाल भर्ती में 33 होगा अनिवार्य। राजस्व लेखपाल भर्ती में कंप्यूटर ज्ञान 33 की अर्हता अनिवार्य करने की तैयारी है। राजस्व परिषद ने इसके लिए नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। 8,000 पदों पर भर्ती आने वाली है, तो लगभग सबके पास होगा 33। तो ज़्यादा अपडेट के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर नए हैं चैनल पर तो धन्यवाद, आपको ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी डेली मिलती रहेंगी। धन्यवाद।